नमस्कार दोस्तों, मैं केरला के एक मशहूर शहर कोच्चि की मेट्रो स्टेशन पर हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेट्रो आ चुकी है और आगे की जानकारी मैं मेट्रो में ही देता हूँ। इस समय अभी सुबह का वक्त है और हम लोग महाराजा कॉलेज मेट्रो स्टेशन के लिए निकल दिए हैं। वहाँ से होकर हम लोग कोची फोर्ट के लिए जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस समय सनराइज हो रहा है। कोची के इस खूबसूरत शहर में सनराइज देखकर कितना अच्छा लग रहा है और ये सनराइज कोची शहर को और भी सुंदर बना रहा है। महाराजा कॉलेज स्टेशन पर काफी वक्त बिताने के बाद अब हम लोग बस के माध्यम से फोर्ट के लिए निकल दिए हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछूं कि देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है, यदि आपका जवाब आता है कोची का शिपयार्ड, तो आप सही हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कोची का शिपयार्ड ही है। यहाँ पर 150 से 200 छोटे बड़े जहाज एक साथ बनाए जा सकते हैं। और देश का एक बड़ा जहाज जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा INS विक्रांत, वो यहीं पर बनाया गया था। अब हम लोग कोची फोर्ट एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सांता क्रूज चर्च है, जिसको हम आप लोगों को अभी दिखाते हैं। और इसका एक अलग ही प्राचीन इतिहास रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको अभी देंगे। वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों को इस चर्च का इतिहास जरूर सुनना चाहिए। जब 1500 ईस्वी में पहली बार पुर्तगीज यहाँ पर आए, तो यहाँ के राजा गोडावर्मा ने उनका जबरदस्त स्वागत किया और कोची कोट के राजा जोमोरिन, जो कि गोडावर्मा का दुश्मन था, वो इस बात का खुला विरोध किया। फिर कोची के राजा गोडावर्मा और पुर्तगीज सेना दोनों मिलकर उसको युद्ध में हराया। और युद्ध जीतने के बाद यहाँ के राजा ने पुर्तगालियों को फोर्ट बनाने की अनुमति दे दी। और 3 मई 1505 को इस चर्च की आधारशिला रखी गई। इस चर्च का इनॉग्रेशन फेस्ट ऑफ द होली क्रॉस डे के दिन किया गया। इसी के आधार पर इस चर्च का नाम सांता क्रूज रखा गया, क्योंकि होली क्रॉस का मतलब स्पेनिश में सांता क्रूज होता है। 1663 में डच ने यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली और यहाँ पर उपस्थित जितनी भी चर्च थी सबको नष्ट कर दिया। लेकिन सांता क्रूज और सेंट फ्रांसिस, जो अभी आपको कुछ देरी में लेके चलेंगे वहाँ पर, इन दोनों चर्चों को छोड़ दिया गया और यहाँ पर डच के लोग अपने हथियार को रखते थे। डचों के बाद इस देश में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमाया और जब अंग्रेज आए तो इस चर्च को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। और फिर 1905 में कोची के बिशप ने इसकी पुनर्निर्माण की पहल शुरू की। इनके बाद नेक्स्ट बिशप मातेसडी ओलिवेरा जेवियर ने इस इमारत को पूरी तरह से बनवाया। 23 अगस्त 1984 को पोप जॉन पॉल सेकंड द्वारा प्राचीनता, कलात्मक गरिमा और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए कैथेड्रल को तब बेसिलिका का दर्जा दिया गया।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैथेड्रल वो चर्च होती हैं जो किसी एक डिस्ट्रिक्ट की सबसे महत्वपूर्ण इमारत हो सकती है। और बेसिलिका एक सर्वोच्चतम पद होता है किसी चर्च का और यह परमानेंट होता है, जबकि कैथेड्रल में यह नाम कभी भी हट सकता है। हमें भी ये चर्च अंदर से देखने पर और बाहर से भी बहुत खूबसूरत लगी, लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी ये इंटरनेट से पढ़ी है मैंने। हो सकता है कि कुछ इसमें कमियां हो, अगर होती हैं तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। कोची फोर्ट में ये दूसरी चर्च है, सेंट फ्रांसिस चर्च। ये इंडिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली कोई यूरोपियन चर्च है। 1503 में इसकी स्टार्टिंग हुई और 1516 में ये कम्प्लीटली बनी। आप वास्को डी गामा के बारे में सुना ही होगा, ये कौन था ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1524 में वास्को डी गामा की मौत कोचीन में हुई थी। उस समय का कोचीन और इस समय कोची, और उसकी बॉडी को यहीं पर दफनाया गया था। बाद में 14 ईयर के बाद उसका बेटा उनकी बॉडी को लेके गया। फिलहाल इस समय इसमें कोई बॉडी नहीं है। दोस्तों यह कोची फोर्ट बीच है और इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि इसका भी कोची से जुड़ा हुआ कुछ इतिहास है। टारगेट कब कितना है आगे?